मध्य प्रदेश में जारी उठापटक के बीच मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि यहां के नेता बिकाऊ नहीं है, वे सिद्धांतों और सेवा की राजनीति करते हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार पर संकट के बादल अब भी मंडरा रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री कमलनाथ ये दिखाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सरकार में सब कुछ ठीक है और किसी तरह की कोई टूट फूट की आशंका नहीं है। शुक्रवार को भी उन्होंने कहा कि हमारे जो नेता हैं वो बिकाऊ नहीं है। सीएम कमलनाथ ने कहा कि हमारे नेता सिद्धांतों और सेवा की राजनीति करते हैं। हमें अपनी राजनीति की ऐसी पहचान बनानी है कि हमें उस पर गर्व हो। देश की पहचान माफिया से हुई। क्या हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की पहचान वो भोपाल गैस ट्रेजेडी से हुई? विश्व में जब मैं कहता हूं मैं मध्य प्रदेश से आया हूं, कहते हैं अच्छा भोपाल भोपाल। हमारी पहचान क्या भोपाल गैस ट्रेजेडी से होगी? हमारी पहचान क्या ये माफिया से होगी? हमारी पहचान क्या उस प्रकार की राजनीति से होगी जिससे हमें दूर रहना चाहिए? इतनी बात मैं कहना चाहता हूं। हमारे राजनीति में भी कोई भी दल हो ये भी कोई सिद्धांत होते हैं, पर अगर हमारी राजनीति में भी गिरावट आए, आज हमें रक्षा करनी है कि हमारी राजनीति में भी गिरावट ना आए। राजनीति में जब गिरावट आती है तो ये गिरावट का मायने क्या है? सब सोचते हैं कि ये बिकाऊ है, सब कहेंगे कि ये दब जाते हैं। सबको कहना चाहिए मध्य प्रदेश में जो राजनीतिक व्यक्ति है वो बिकाऊ नहीं है, ये बिकाऊ नहीं है, ये सिद्धांतों की राजनीति करते हैं, ये सेवा की राजनीति करते हैं। तो हमें अपने राजनीति की भी ऐसी पहचान बनानी है देश में, जहां मैं ज्यादा नहीं कह रहा इसमें, ऐसी पहचान बनानी है जहां हमें गर्व हो, ऐसी पहचान बनाए कि हम अपने देश में जहां भी जाए हम अपनी छाती ठोक के कह सकें हम मध्य प्रदेश से आए हैं, ये हमारा लक्ष्य है। कमलनाथ बिट्टन मार्केट दशहरा मैदान में यादव महासभा मध्य प्रदेश के प्रांतीय अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज ऐसी शक्तियों को भी पहचानना जरूरी है जो देश को बांटने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति अनेकता में एकता की संस्कृति है। इसकी असली शक्ति आध्यात्मिक शक्ति है जो देश को बांधे रखती है और आगे बढ़ाती है। वो भी उन मूल्यों का कदर करें, मूल्यों को समझें, उन मूल्यों को अपनाएं और नई पीढ़ी उससे जुड़े, ये आज बहुत बड़ी आवश्यकता है अपने देश में। क्योंकि हम उस पटरी से अगर उतरे तो अपने देश को क्या होगा? और जो भी प्रयास किया जाता है, जो भी प्रयास, जो विदेश ये बड़े बड़े शक्तियां प्रयास करती है कि भारत को कमजोर करने का, उनका एक ही प्रयास होता है कि भारत को कैसे बांटा जाए, भारत में कैसे भाषाओं के आधार पर कैसे बांटा जाए, धर्म के आधार पर, जातियों के आधार पर कैसे बांटा जाए। इसी से ही भारत कमजोर होगा। हम कोई मिलिट्री शक्ति नहीं है, हम कोई आर्थिक शक्ति नहीं है, हमारे पास तो वो मूल्य है, वो संस्कृति है और वो आध्यात्मिक शक्ति है जो बाकी देशों के पास नहीं है। यही आध्यात्मिक शक्ति हमारे देश को एक रखती है, हमारे देश को आगे बढ़ाती है। मैं यही कहना चाहता हूं कि ये बहुत बड़ी आवश्यकता है और हमारे जो नेता, वरिष्ठ नेता समाज की बैठे हैं, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आपकी जिम्मेदारी है कि नई पीढ़ी को इससे जोड़े रहे, आज की नई पीढ़ी इससे फिसल ना जाए। आज जो ये इंटरनेट और व्हाट्सएप और ये सब क्या फेसबुक से जुड़ जाते हैं, इनका दिमाग ना घूम जाए जब तक ये हमारी संस्कृति से ना जुड़े रहें, हमारे सामाजिक मूल्यों से। हर समाज के अपने मूल्य हैं, पर हमारे भारत के भी मूल्य हैं, अंत में ये सब भारतीय मूल्य हैं और यही भारतीय मूल्य हमारे देश को एक झंडे के नीचे रखते हैं। कुल मिलाकर सीएम कमलनाथ ने यादव समाज के अधिवेशन में मध्य प्रदेश में चार दिन से जारी सियासी ड्रामे को लेकर जमकर निशाना साधा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।